सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग, रमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपका कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा सिमडेगा की ओर से जारी किया गया है। तो देखिए, पहला जो पोस्ट है वो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक जो कि ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर है। तो इसमें जो टोटल आपके जो हैं, टोटल आपके 6 पोस्ट आपके टोटल इसमें निकाले हैं, 6 पोस्ट टोटल आपके हैं, 6 पोस्ट है। और इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात जहाँ तक करें तो इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल, तो इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता आपका पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में होना चाहिए। अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में एक्टिविटीज़ में। उसके बाद इसका जो नियुक्ति का प्रकार है यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और ये 1 वर्ष के लिए इसका अनुबंध आपका रहेगा। और इसकी जो मासिक जो वेतन होगा वो 30,000 रुपया प्रति माह होगा, 30,000 रुपया प्रति माह होगा। तो ये आपके पहले पोस्ट के बारे में ये था। चलिए सेकेंड पोस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सेकेंड पोस्ट जो है वो सहायक तकनीकी प्रबंधक का है। तो इसमें टोटल जो है 23 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है इसमें 23 पोस्ट इसमें है। और इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या फिर इसमें एलाइड सेक्टर, इससे रिलेटेड कोई भी सेक्टर में आपका होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता। अनुभव जो होना चाहिए वो 1 साल का होना चाहिए, 1 साल का इसमें अनुभव लिखा गया है इसमें। उसके बाद है नियुक्ति का प्रकार, नियुक्ति का प्रकार ये भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और 1 साल के लिए ये आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इसमें जो है 25,000 रुपया प्रति माह आपको इसमें मिलेगा। चलिए तीसरा जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर या ऑपरेटर। तो इसमें जो है आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बीटेक एमसीए वाले इसको भर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो इसमें जो है 1 साल का आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए बीटेक वालों के लिए और 1.5 साल का एमसीए वालों के लिए, और जो है जो डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर में उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। तो ये भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 1 साल के लिए आपका अनुबंध होगा और 16,000 रुपया प्रतिमा इसमें आपको मिलेगा। तो चलिए और हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें श्रेणीवार रिक्तियां क्या कितना कितना है आपका। जैसे पहला पोस्ट है आपका प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, इसमें टोटल जो है आपके टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें कि आपका जनरल के लिए 3 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट और एसटी के लिए 2 पोस्ट इसमें है। दूसरा जो पोस्ट है वो है सहायक तकनीकी प्रबंधक का, तो टोटल पोस्ट आपका 23 है, जिसमें कि आपका अनारक्षित वर्ग के लिए 12 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आपका 9 पोस्ट है। चलिए तीसरा जो पोस्ट है वह कंप्यूटर प्रोग्रामर या ऑपरेटर का है, जिसमें कि 1 पोस्ट है और वो आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब देख लेते हैं इसमें इसको फॉर्म को इसमें कैसे भरना है और इसकी क्या प्रक्रिया होगी। चलिए इसमें लिखा गया है पहला जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि 1 साल के बाद आपके परफॉर्मेंस के आधार पर जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो है 1 साल से बढ़ भी सकता है, ये आप देखिएगा। दूसरा जो है इसमें जो है एक एग्ज़ाम होगा जो कि 100 नंबर का होगा, जिसमें कि कटअप जो है वो जनरल के लिए 50 और आरक्षित वर्ग के लिए जो होगा वो 40 होगा, इसमें कटअप रखना होगा, इसमें एक एग्ज़ाम होगा। चलिए एग्ज़ाम में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, ये आपका जैसे लिखा गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एज, एज जो है इसमें कि 45 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कि आप 45 साल वाले तक भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिनका जो 45 साल से कम उम्र हो। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फॉर्म के साथ आपको क्या क्या और भी भेजना है, कौन कौन सा प्रमाण पत्र, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें है कि अंक पत्र भेजना है, मार्कशीट भेजना है, आवासीय प्रमाण पत्र भेजना है, जाति प्रमाण पत्र भेजना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में कंप्यूटर में जो आप कोर्स किए हुए हैं उसको भेजना है। तो इसका जो है वो आपको जेरोक्स भेजना है, स्व अभिप्रमाणित करके इसको छायाप्रति इसमें अनुलग करना आपको आवश्यक है, जैसे कि इसमें दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसकी कितने फ़ी हैं।
फी देखिए, इसकी जो फी है वो 500 रुपया फी है आपका प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए इसमें लिखा गया है। और ये जो है कि नेशनल बैंक के डिमांड ड्राफ्ट जो होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा किसके नाम से बनेगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा सिमडेगा के नाम से बनेगा, पेबल एट सिमडेगा होगा। और ये किसी भी परिस्थिति में जो है ये राशि जो है वापस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। चलिए ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो प्रोसेस कैसे होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस जो होगा वो आपका वेटेज के अनुसार होगा। वेटेज का जो दिया गया है कि वेटेज के अनुसार जो होगा कि कितना आपका मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, इस तरह के जितना वेटेज है सारा वेटेज का एक आपका देखिए कॉलम दिया हुआ है। नीचे हम लोग दिखा देंगे आपको कि वेटेज क्या क्या है आपका, किस में वेटेज आपका रखा गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ है इसमें। तो चलिए और देखिए, हाँ आप लोग इसको www.simdega.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोग देख सकते हैं ये जो आवेदन भर के आपको भेजना कहाँ है। तो ये भरा हुआ आवेदन पत्र परियोजना निदेशक आत्मा सिमडेगा ब्लॉक बी ग्राउंड फ्लोर समारायल सिमडेगा के कार्यालय पते पे दिनांक 16/4/2021, याद रखिएगा 16/4/2021 शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट या फिर डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। मतलब आपको 16/4 तक ही आपको ये लास्ट डेट है इसका। देखिए उसके बाद दिया गया है कि जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, ये फॉर्म पहले भी निकला था या आवेदन इसका कर चुके हैं, तो उनको जो है वो आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, किंतु साक्ष के रूप में स्व हस्ताक्षरित DD की छाया प्रति, आपके पास जो डिमांड ड्राफ्ट होगा उसकी छाया प्रति, उसमें आपको हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ आपको संलग्न करना आवश्यक होगा। ये आपको दिया हुआ है 19 नंबर में। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे देखिए जो मैंने बात किया था वेटेज का, देखिए वेटेज का दिया हुआ है इसमें, बहुत छोटा है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, अच्छे से इसको देख लीजिए। अब देखिए फॉर्म का देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है, आवेदन प्रपत्र, देखिए फॉर्म का यही फॉर्मेट है, आपको इस फॉर्मेट को भी देख सकते हैं, यही आप लोग को फॉर्म भर करके इसको भेजना है सिमडेगा। देख लेते हैं तो देख लीजिए इसको, यही है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड इसको कर सकते हैं। चलिए ये थे आपके एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कुछ जानकारी, जो इच्छुक हैं इसको भरने के लिए वो इसको भर सकते हैं। और भी कुछ इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप लोगों के सामने हम ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।